की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पैगेटीज की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्पैगेटीज तैयार करने के लिए मैंने पानी जो है इसे बॉईल कर लिया है, और जब इसमें थोड़ा सा उबाल आए तो स्पैगेटीज ऐड कर दें। पानी में मैंने 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच जो है नमक ऐड किया था, और यहाँ पे मैं अब इसको 5 मिनट, 4 to 5 मिनट जो है पानी में मीडियम आंच पे पकाऊंगी। स्पैगेटीज जो है वो जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसको स्ट्रेन कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इस पर ठंडा पानी डाला है। उससे ये होगा कि स्पैगेटीज जो है ये जुड़ेंगी नहीं आपस में, अलग अलग रहेंगी। और इसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑयल और प्याज, और यहाँ पे प्याज को मैं फुली ब्राउन नहीं करूँगी। आप देख भी सकते हैं कि ये जब इनको हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए पकाऊंगी, और उसके बाद इसमें मैं ब्लेंडर में या मिक्सर में आप कर सकते हैं मसाले। मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन जो है उसका पेस्ट तैयार किया है मिक्सर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको ब्राउन फुली नहीं किया। अब मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दूंगी जो मैंने तैयार किया है, और इसको मैं 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और उसके बाद जब आप खुद से देखेंगे इसका एक बड़ा अच्छा सा अरोमा आपको फील होगा, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इन मसालों की। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए इसको पकाया, और अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी क्योंकि बॉईल किया है। मेरे पास ये बोनलेस चिकन जो है ये फ्रीज़ हुआ था, तो हल्का सा बॉईल किया हुआ है, और इसका भी हल्का सा इसमें आप देख रहे हैं पानी जो है वो निकला है। तो इसी में हम इसे भुनेंगे, और यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी नमक और ज़ीरा ऐड किया है, और साथ में बड़ी इलायची, दालचीनी ऐड करूँगी, और फिर आलू ऐड कर दूँगी। और आलू ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पकाऊँगी क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने के लिए। और नमक ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर के बाद, मैं एकदम से सारा कुछ ऐड नहीं कर रही। और इसके बाद जो है आलू ऐड करने के बाद हम इसका वेट करेंगे इसको आलू गलने का, और आप देख रहे हैं कि मैंने मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। मैं उसी पानी के अंदर जिस तरह से दम पे पकाते हैं ना, यहाँ पे मैं मटर भी ऐड कर दूंगी। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, और आप लोगों में से भी बहुत से लोग जो फीमेल्स हैं वो पहले ही फ्रीज़ करके रख लेती होंगी मटर, जब इनका सही वाला अरूज पे पीक पे इनका सर्दियों में सीज़न होता है। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, और 5 मिनट के लिए इसे दम देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और यहाँ पे ये मैंने ऐड किए हैं वाइट चने, और आपकी मर्ज़ी है आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वाइट चने जो हैं वो भी मैंने बॉईल करके ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए थे, तो वो भी ऐड किए हैं, और अब ये वहाँ यहाँ पर ये पक रहे हैं। और पकने के बाद इस पॉइंट पे, स्टेप पे मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी और 1 मिनट, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्पैगेटीज। और स्पैगेटीज ऐड करने के बाद इनको जो लास्ट पे है मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो स्पैगेटीज का मसाला जो पहले तैयार किया था वो स्पैगेटीज के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और मिक्स आपने इस तरह से करना है कि स्पैगेटीज टूटे ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल होकर नरम हुई होती हैं। यहाँ पे मैंने अब भी इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई धनिया और पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। तो इसका बड़ा अच्छा सा एक अरोमा आएगा जब आप इसको इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। और इसके साथ मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद इसे दम पे रखूँगी मैं 1 या 2 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है
बंद गोभी जो है वो आप, मैं इसी वक्त मतलब जब इसको एंडिंग दे रही होती हूँ उस वक्त इसमें दम से पहले ऐड करती हूँ स्पैगेटीज में। कुछ लोग पहले भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से ये थोड़ी सी ना इसकी लुक ज़्यादा मज़े की आती है और इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड की है, और सोया सॉस ऐड करने के बाद 1 या 1.5 या 2 मिनट के लिए, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, इसे हल्की आंच पे पकने दें और इसको डिश आउट करें। और आप इसे चिली सॉस या सिंपल टमाटो केचप के साथ गार्निश करें। तो ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर शेयर करें, थम्स अप करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।